नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अपने दोस्तों आज जो फ्लैगशिप योजना पढ़ने जा रहे हैं वो है देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना। सबसे पहले बात करेंगे कि योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो योजना की शुरुआत हुई है 2011 बारे में। कब हुई है दोस्तों? 2011 बारे में योजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट अपने बात करें कि योजना का उद्देश्य क्या है, तो योजना का उद्देश्य दोस्तों राज्य की अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक, स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा मतलब लड़कियों में जो है वो प्रतियोगिता की भावना बनी रहे की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना इस योजना का क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु राजस्थान मूल की अति पिछड़ा वर्ग की वे छात्राएं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण में पूर्णतया 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन कर रही हैं, यानी कि 12वीं कक्षा जो है वो पास कर रखी है 50% अंकों के साथ और आगे जो है बीए वगैरह में, या यूँ कह सकते हैं आपको ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में उसने एडमिशन जो है वो अपना ले लिया हो दोस्तों। ये अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, योजना का उद्देश्य राज्य की अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने एवं उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने और उन्हें आगे पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने के लिए या उच्च शिक्षा के लिए दूर जाने के लिए जो वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना जो है वो क्या की गई है दोस्तों? शुरू की गई है। आज का सवाल की अगर अपने बात करें, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी घर घर पहुंचाने के लिए चिरंजीवी संवाद किस जिले से नवाचार शुरू किया गया है? चिरंजीवी संवाद नवाचार किस जिले से शुरू किया गया है, इसका आपने जवाब देना है और इसका जवाब जो है आप वीडियो समाप्त होने के बाद कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।